बंगाल के दीघा में दिखने लगा तूफान ताना का असर, भयानक रूप लेता नजर आ रहा समुद्र। पर्यटकों को समुद्र के पास जाने से रोका गया। ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए, अपने अपने सुरक्षित जगह को निकल जाइए, आप लोग अपने अपने रूम को निकल जाइए, घर को निकल जाइए, आप लोग बीच में कोई रहना नहीं है, सब निकल जाइए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, समुद्र का सिचुएशन खराब है और समुद्र भी बहुत अशांत है अभी। ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साइक्लोन दाना को लेकर हाई अलर्ट, तूफान से निपटने के लिए ओडिशा के पुरी भुवनेश्वर से लेकर पश्चिम बंगाल तक कड़ी तैयारियां। ओडिशा में तूफान दाना से सहमे लोग, पारादीप बंदरगाह पर देखी गई तेज लहरें, हाई अलर्ट पर सरकार। चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, कहा ओडिशा तट से टकराएगा तूफान, दाना से बचने के लिए की गई तैयारी। ओडिशा में तूफान को लेकर प्रशासन सतर्क, भूस्खलन की जताई जा रही आशंका, 26 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर भी लोग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर, नदी में नजर आया झाग, साफ सफाई में जुटा प्रशासन। यूपी के मुरादाबाद में भी प्रदूषण का कहर, कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है तरीकों की परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बीमारियों का खतरा, बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किए कई तरह के उपाय। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को बनाया निशाना, हमले में गंभीर रूप से घायल यूपी के रहने वाला है शुभम। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा घायल शख्स, आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी, आतंकियों की तलाश में जुट सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनजीओ की नेक पहल, मुलवारावान गांव में आग से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए जोड़े गए 1,54,00,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 7 आदमखोर तेंदुए पिंजरे में हुए कैद, वन विभाग ने 20 दिन बाद 7वां तेंदुआ पकड़ा, पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण कर जंगल में छोड़ा। बहराइच में तेंदुए ने रिजॉर्ट मैनेजर पर हमला किया, बाल बाल बचा शख्स, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों का उत्पात, टोल टैक्स को लेकर जमकर किया बवाल और मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाइक भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए, आरोपियों से पूछताछ जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की, सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी को 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बिहार के बांका में डायल 112 के वाहन को जलाने के मामले में एक्शन, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हिट एंड रन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, मृतकों को लेने पहुंचा था वाहन, मौके पर उपद्रवियों ने वाहन में आग लगाई थी। शाहजहांपुर में नकली तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बैंक कर्मचारियों द्वारा ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, गोल्ड लोन के नाम पर 15,00,000 की ठगी। यूपी के बदायूं में फर्जी मेडिकल स्टोर का भंडाफोड़, लाखों की दवाएं जब्त, बिना लाइसेंस चल रहा था मेडिकल स्टोर, मरीजों का इलाज भी कर रहा था संचालक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। असम के डिब्रूगढ़ में बीएनपी स्कूल के पास लगी आग, देखते ही देखते आग ने 10 से ज्यादा कच्चे घरों को चपेट में लिया, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कोलकाता के टेरिटी बाजार में भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक, आग की बुझाने के लिए 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं मौजूद। मैं
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सलमान खान की। सलमान खान पर 26 साल पहले जो मुसीबत शुरू हुई थी वो 26 साल बाद भी सलमान खान के लिए गले की फांस बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सोमी अली ने किया है। दरअसल काले हिरण शिकार को लेकर और बिश्नोई समाज से माफी मांगने को लेकर सोमी अली ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ सोमी अली ये भी कह रही हैं कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांगना चाहती हैं। लेकिन आखिर क्यों और सोमी अली कौन है? रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोमी अली ने कई अहम खुलासे किए हैं। क्या है वो खुलासे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। से मैं बात करके मैं इसको एनालाइज और इसको थेरेपी दे सकती हूँ। सलमान को मैं जानती हूँ जब मैं 16 साल की और मैं सलमान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में रही। मैं उनके टेंपल में भी जाऊंगी, वहाँ पूजा भी करूंगी, थोड़ी सी डोनेशन जो मेरी हैसियत है वो भी मैं उस हिसाब से दूंगी। 26 साल भले ही बीत गए लेकिन सलमान खान का काला हिरण केस से पीछा नहीं छूट रहा। कभी कोर्ट, कभी बिश्नोई समाज, तो कभी लॉरेंस की धमकी। लेकिन इस बार सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान के पिता का बयान। लेकिन इसी बीच चर्चा में एक चेहरा और है जिसका नाम है सोमी अली। सोमी अली इन दिनों बिश्नोई समाज से माफी मांगती नजर आ रही है। वो भारत पर आने पर राजस्थान पहुंच लॉरेंस का इंटरव्यू करना चाहती है। लेकिन सवाल है आखिर सोमी अली ये सब क्यों करना चाहती है? उसका जवाब है सलमान खान। इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे लेकिन पहले सोमी का ये बयान सुनिए। डेफिनेटली राजस्थान जाऊंगी और मैं बजाय लॉरेंस बिश्नोई के पहले मैं देवेंद्र भाई से मिलूंगी क्योंकि वो हेड है, वो बुजुर्ग आदमी है, वो एल्डरली है, वो ट्राइब के लीडर है बिश्नोई ट्राइब के। सलमान खान एक बार फिर से लॉरेंस और हिरण कांड को लेकर चर्चा में है। सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर है तो सोमी सामने आई और बयान दिया। वो सलमान को 16 साल की उम्र से जानती है और वो जो चाहते हैं वही करते हैं। सलमान को मैं जानती हूँ जब मैं 16 साल की थी उस उम्र से तो, और मैं सलमान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में गई। तो सलमान जो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, उनका माइंड कोई नहीं बदल सकता सिवाय उनके मम्मी डैडी के, कि उनकी मर्जी है। अगर उनको नहीं नहीं अपोलोजाइज करना है नहीं करेंगे, करना है करेंगे। मैं तो राजस्थान जाऊंगी, मैं उनके टेंपल में भी जाऊंगी, वहां पूजा भी करूंगी, थोड़ी सी डोनेशन जो मेरी हैसियत है वो भी मैं उस हिसाब से दूंगी। ये मेरा उनसे वादा है देवेंद्र भाई से। सोमी का इशारा साफ है, बहरहाल जो भी। लेकिन लॉरेंस को लेकर जब भी सोमी से सवाल पूछा गया तो बचकर निकलती नजर आई। सुनिए, ये LLB है, ये कोई जाहिल आदमी नहीं, ये LLB है, मगर ये अपने आप को गैंगस्टर करार क्यों दे रहा है? मुझे इसके दिमाग के अंदर जाना है, उसको साइको एनालाइज करना है, उसका इंटरव्यू करना है और उस समय मैं चाहती हूँ कि प्रेस मेरे साथ हो और मेरे साथ सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू 4 बार देखा है और ये इसके दिमाग में डेफिनेटली खलल है और मैं इससे बात करना चाहती हूँ और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। काला हिरण, सलमान खान, बिश्नोई समाज और अब सोमी अली की एंट्री, पूरा मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है लेकिन ना तो लॉरेंस पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही बिश्नोई समाज माफी से कम की बात मानने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं लॉरेंस की तरफ से सलमान खान को धमकी पर धमकी मिल रही है। ताजा धमकी 18 अक्टूबर को मिली थी जहां 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस आरोपी को पुलिस ने ट्रेस किया और शिकंजे में लिया। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर सलमान खान को धमकी। बारह अक्टूबर को दशहरे वाले दिन सलमान खान के दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है
और बाबा सिद्दीकी की हत्या के ठीक 6 दिन बाद मुंबई पुलिस के पास एक धमकी भरा मैसेज आता है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहता है तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मैसेज के मिलने के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी थी और अब पुलिस ने धमकी भरा मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेख हुसैन शेख मोहसिन नाम के लड़के ने सलमान को धमकी दी थी जो झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचने का काम करता है। आरोप है कि इसी ने सलमान को धमकी वाला मैसेज मुंबई पुलिस को भेजा था जिसके बाद पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी थी। जांच में धमकी देने वाले आरोपी की लोकेशन झारखंड के जमशेदपुर में मिली जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसने 21 अक्टूबर को एक माफी वाला मेल भी पुलिस को भेजा था। इसमें उसने सलमान को धमकी देने वाले मैसेज का जिक्र किया था और लिखा था, धमकी वाला मैसेज गलती से चला गया था, मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को समय समय पर लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिल रही है, यहां तक कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की जा चुकी है। ऐसे में पुलिस सलमान खान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। अब सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, सलमान को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। सलमान की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, 11 सुरक्षा कर्मी में से 1 या 2 कमांडो होते हैं, सुरक्षा कर्मियों में 2 PSO होते हैं। पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी सलमान के साथ चलती है, सभी हथियार चलाने वाला एक कांस्टेबल भी सलमान के साथ रहता है, शूटिंग वाली जगह के थाने को अलर्ट पर रखा जाता है। पुलिस की सुरक्षा के अलावा सलमान खान के पास शेरा और उसकी पर्सनल सिक्योरिटी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान शूटिंग पर जाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन सलमान ने एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के बीच अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू कर दी है।